कार्यालय में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी प्रकोष्ठ द्वारा संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रकोष्ठ के प्रवक्ता निजाम अंसारी ने बताया कि वर्तमान विधायक बोकारो की मूल समस्याओं के प्रति कभी ध्यान नहीं दिए, यही कारण है कि राज्य में डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी बोकारो दूसरों जिलों की तुलना में काफ़ी पिछड़ा है। विधायक ने विस्थापितों, शिक्षा, चिकित्सा, पानी, बिजली, किसान, मजदूर, युवाओं के रोजगार के क्षेत्र में कोई भी कार्य नहीं किया। उनका पूरा कार्यकाल अपनी निजी संपत्ति बनाने में बीत गया। अंसारी ने कहा कि बोकारो एशिया का सबसे बड़ा प्लांट होने के बावजूद यहाँ के औद्योगिक क्षेत्र अधिकतर इकाइयाँ बंद हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। बोकारो में निजी विद्यालय तेजी से फल फूल रहे हैं, वहीं BSL के लगभग 43 में से 31 विद्यालय बंद पड़े हैं। बोकारो नगर के लगभग 1.5 लाख की आबादी जो झुग्गी झोपड़ी में रहती है, फुटपाथ पर दुकान चलाकर आजीविका चलाती है, वो मौलिक सुविधाएं एवं सरकारी योजनाओं से सीधे तौर पर वंचित हैं। उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस आला कमान से यह मांग करेंगी कि बोकारो में किसी OBC प्रत्याशी को ही अपना टिकट दें। क्या मांग करते हैं? OBC कांग्रेस के OBC प्रकोष्ठ से जो है हमारे प्रत्याशी, ये हम बिल्कुल प्रदेश और हम अपने आला कमान के जो हमारे लीडर्स हैं उनसे हम मांग करते हैं कि यहाँ जो है OBC के तौर पर प्रत्याशी OBC से जाति से।